हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज 6 फरवरी 2023 SSC GD का 3rd चैप्टर का पेपर समाप्त हो चुका है। एक इम्पोर्टेंट बात सबसे पहले, यदि अभी तक आपका GD का पेपर नहीं हुआ है और आगे किसी भी शिफ्ट में होने वाला है, तो अभी तक का SSC GD का ऑल शिफ्ट का GK जिसका PDF आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, वो भी फ्री में, ठीक है। तो आइए, हम लोग 3rd चैप्टर का पेपर समाप्त हो चुका है 6 फरवरी का। इसमें पूछे गए GK साइंस हिंदी करंट अफेयर के मैक्सिमम प्रश्न देखने वाले हैं। ऑल क्वेश्चन सर 100% रियल ऑथेंटिक है। जो स्टूडेंट पेपर दे के आया था 3rd चैप्टर का, उसी के द्वारा बताया गया ये प्रश्न है। मेरे किसी भी वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर मिलता है, या तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप पर्सनली PDF भी ले सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग 3rd चैप्टर के प्रश्न। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अकर्मक का अभिलोम शब्द क्या होगा, तो सकर्मक होगा, इजी सवाल था। यूथ गेम 2020 कहाँ हुआ था, उसका विजेता कौन था, दोनों चीज़ पूछा गया था एक ही क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन गुवाहाटी में हुआ था, चैंपियन ट्रॉफी महाराष्ट्र को सौंपी गई थी, पहली उपविजेता ट्रॉफी हरियाणा को और दूसरी उपविजेता ट्रॉफी दिल्ली को दी गई थी। तो इसमें विजेता कौन था, महाराष्ट्र विजेता था। हुआ कहाँ था 2020 वाला खेलो इंडिया यूथ गेम्स, असम के गुवाहाटी में। तो याद रखिएगा सर सारे चीज़। बहुत दिन बाद कोई पुस्तक के लेखक पूछा गया है इस शिफ्ट में। मैडम सर पुस्तक है, मैडम सर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैडम सर नामक आत्मकथा के लेखक कौन है। मैडम सर भारत की पहली 5 महिला पुलिस अधिकारियों में से एक मंजरी जुहीरीहर की आत्मकथा है, ठीक है। मैडम सर मंजरी जुहीरीहर की आत्मकथा है। लक्षद्वीप के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है, श्री प्रफुल्ल पटेल। उन्होंने 5 दिसंबर 2020 से लक्षद्वीप के प्रशासक के रूप में कार्यभार संभाला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। एक सेकेंड, एक फ़ोन पे कॉल आ रहा थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा सा रुकना पड़ा, ठीक है। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं हम लोग। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त कुशासक कुमारगुप्त प्रथम, जो जिसका कार्यकाल क्या है 450 से 770 को प्राप्त हुआ, ठीक है। तो पूछा गया था कि कुमारगुप्त के बारे में पूछा गया था कि कौन सा स्थापना किया था, मतलब इसका संस्थापक कौन है, तो कुमारगुप्त है। कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो सरोज नलिन अरविंद अल्प अभोज ताम्रस पुष्कर, ये सारे कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। एक आंसर कुछ अलग ही दिया हुआ था, इसके अलग ही दिया हुआ था शायद, लेकिन कमल से ही रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, पूछा गया था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गणगौर पूछा गया था, गणगौर राजस्थान में किस देवी की पूजा की जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गणगौर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में निमाड़ मालवा बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र का एक त्यौहार है, जो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीय तीज को आता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां एवं विवाहित महिला शिवजी और पार्वती गौरी की पूजा करते हैं। तो क्या पूछा गया था, शिवजी या पार्वती गौरी की पूजा करते हैं गणगौर राजस्थान नृत्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एल नीनो पूछा गया था, कैसी जलधारा है, तो सबसे पहले तो ये प्रशांत महासागर की जलधारा है और गर्म जलधारा, ठीक है, जिसके आगमन पर सागरीय जल का तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री तक बढ़ जाता है, डिग्री होगा यहाँ पे, ठीक है। एल नीनो जलधारा प्रशांत महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे छोटा राज्य पूछा गया था, कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि सबसे छोटा राज्य केंद्रशासित प्रदेश में बोला गया था, यदि केंद्रशासित प्रदेश में पूछा गया सबसे छोटा राज्य, तो वो आपका हो जाएगा लक्षद्वीप, और लेकिन सबसे छोटा राज्य ऐसे पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे छोटा राज्य गोवा है, इसका कुल क्षेत्रफल 3702 है, और जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछे आपको तो सिक्किम है। हम सारा बता दिए, जो पूछा हुआ आप क्लियर कर लेना, केंद्रशासित प्रदेश पूछा गया तो लक्षद्वीप हो जाएगा, ऐसे राज्य पूछा गया होगा तो गोवा हो जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार, और जनसंख्या के अनुसार पूछा होगा तो सिक्किम हो जाएगा, आप क्लियर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्टूडेंट बता रहे थे, तो इसका राइट आंसर क्या, पहले तो तृतीय पंचवर्षीय योजना कार्यकाल कितना है, 61 से 66। तीसरी पंचवर्षीय योजना ने कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया, लेकिन 1962 के संक्षिप्त भारत चीन जो युद्ध हुआ था 1962 में, ने अर्थव्यवस्था में कमजोरियों को उजागर किया और रक्षा उद्योग और भारतीय सेना की ओर ध्यान केंद्रित किया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, 1905 का बंगाल विभाजन जो हुआ था किस आधार पर हुआ था, एक क्वेश्चन ये था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1905 में 16 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया, विभाजन को प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया गया, बंगाल लगभग फ्रांस जितना बड़ा था, जबकि
उसकी आबादी फ्रांस से कहीं अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन पूछा गया था पुस्तकालय में क्या रखते हैं, हिंदी में क्वेश्चन था कि पुस्तकालय में क्या रखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुस्तकालय में हम लोग पुस्तक क्या करते हैं या क्या रखते हैं, पुस्तक रखते हैं, पढ़ाई करते हैं, यही होगा आंसर। एक क्वेश्चन था वृक्ष से पत्ते गिरते हैं का पर्यायवाची शब्द, तो आई थिंक स्टूडेंट बता रहे थे कि पेड़ होना चाहिए इसका आंसर, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं उसका पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि क्या दिया हुआ है, यदि पट्टी सॉरी यदि परत बरस से संबंधित है, पट्टी या कुछ दिया हुआ था बरस से संबंधित है, डॉक्टर किससे संबंधित है, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था कि पट्टी है कि परत है पता नहीं कौन सी बरस से संबंधित है तो डॉक्टर किससे संबंधित है, इजी ही सवाल था, कर लोगे आप लोग। इतना ही प्रश्न हम लोग को इस शिफ्ट में मिल पाया है, बाकी इसके अतिरिक्त क्वेश्चन मिलने के बाद हम PDF में शामिल कर देंगे, और नहीं तो आप यदि इस शिफ्ट का पेपर देके आए हो और इसके अतिरिक्त क्वेश्चन याद है तो आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा ताकि आगे जिन भाई बहन का एग्ज़ाम है उनको हेल्प मिल सके, और जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है CGD का ओल्ड शिफ्ट का GK जिसका PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर मिला होगा, वहाँ पर मैसेज करके आप अभी तक का ऑल शिफ्ट का GK जिसका PDF ले सकते हो। आइए हम लोग मैथ और रीजनिंग का बारे में बात करते हैं, मैथ और रीजनिंग से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैथ में आपको हम बता दें तो परसेंटेज आपको करने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस करने हैं, SICI करने हैं, उसके बाद आपको टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस करने हैं, चोर पुलिस वाला सब भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती ये सब जो होते हैं, चतुर्थ अनुपाती ये सब कर लीजिए, ये सब हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। उसके बाद आपको मैथ मेंसुरेशन हर हाल में कर लेना है, 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन से हर शिफ्ट में आ रहे हैं, और मैथ में आपको बोर्ड मास से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो भी कर लीजिएगा, SICI कर ले सॉरी SICI तो करना ही है आपको, LCM SCF भी कर लीजिएगा। स्टूडेंट बताते हैं SICI का 2 साल का गैपिंग वाला इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। रीजनिंग में हम आपको बता दें तो सबसे ज़्यादा आज जब से GD का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है इस बार तो कोडिंग डिकोडिंग 3 से 4, 4 से 5 हर एक शिफ्ट में, सीरीज से लगभग 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, सिटिंग अरेंजमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, उसके बाद एक क्वेश्चन आने वाले हैं आपको चैप्टर का मैं नाम बताता हूँ, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन एक आता है, डाइस से आता है, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सारे से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कथन निष्कर्ष से एक क्वेश्चन पूछता है, बाकी यही सब पूछा जा रहा है। आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, अभी तक के GK जिसका ऑल शिफ्ट का PDF लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके फ्री में PDF ले सकते हैं। मेहनत पसंद आया हो तो 1 लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।